जम्मू कश्मीर में राज्य के दर्जे की बहाली को लेकर लगातार मांग उठ रही थी और अब जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने का रास्ता साफ हो चुका है। बता दें कि राज्य का दर्जा देने पर केंद्र सरकार अब सहमत हो चुकी है। संसद के विंटर सेशन में ये प्रस्ताव लाया जाएगा। अभी लद्दाख जो है वो केंद्र शासित प्रदेश ही बना रहेगा, यानी कि लद्दाख को स्टेटहुड वापस नहीं मिलेगा, लेकिन जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा वापस मिलने का रास्ता अब साफ हो चुका है। और अगर केंद्र सरकार के हवाले से बात की जाए तो केंद्र सरकार अब सहमत हो चुकी है कि जम्मू कश्मीर को एक बार फिर से स्टेटहुड वापस दिया जाए। अगर बात की जाए गृहमंत्री अमित शाह की, उन्होंने पार्लियामेंट में लोकसभा में साफ तौर से कहा था कि 370 इतिहास है, 370 कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को सही समय पर जरूर दिया जाएगा। सही समय केंद्र सरकार की तरफ से अब आ चुका है और बहुत ही जल्द जम्मू कश्मीर एक बार फिर से राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को वापस मिल जाएगा। शीतल, बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी खबर आज की है जम्मू कश्मीर के नजरिए से, क्योंकि जम्मू कश्मीर पिछले 5 सालों से केंद्र शासित प्रदेश है। 2019 में जब धारा 370 को जम्मू कश्मीर से हटाया गया, उसके बाद जम्मू कश्मीर को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया और लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला, लेकिन उसके बाद विपक्ष ने लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी बात बरकरार रखी और अब जब चुनाव हुए 2024 के अंदर, चुनाव होने के बाद लोगों ने भारी बहुमत के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है यहाँ पर सरकार में लाया और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जब पहली कैबिनेट हुई और कैबिनेट बैठक में पहला प्रस्ताव राज्य के दर्जे को लेकर था और ये प्रस्ताव अब मात्र जम्मू कश्मीर तक नहीं बल्कि केंद्र तक पहुंचा। गृहमंत्री अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई, प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात हुई और इस मुलाकात के बाद अब केंद्र ने ये साफ इशारा दे दिया है कि आने वाले समय में जब संसद सत्र होगा तो उस समय जो कानूनी प्रक्रिया होगी इस पूरे राज्य के दर्जे को लेकर जो एक प्रक्रिया होगी उस प्रक्रिया को किया जाएगा और उसके बाद जम्मू कश्मीर को एक बार फिर से राज्य का दर्जा सौंप दिया जाएगा, एक बार फिर से राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर वासियों को मिलेगा। तो इस पर भी बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम में विनोद कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़े हुए हैं। इस पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि ये एक पहली पहल इस वक्त राज्य सरकार की जो थी वो सफल होती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे साथ आज इस खास विषय पर जुड़ने के लिए। राज्य का दर्जा साफ हो रहा है, ये रास्ता साफ हो रहा है और केंद्र ने ये साफ कर दिया है कि आने वाले टाइम में, आने वाले समय में आपको जो दर्जा है, राज्य का दर्जा है, स्टेटहुड है, वो मिल जाएगा। बस अब देर है तो एक प्रक्रिया की, एक संवैधानिक प्रक्रिया की। बिल्कुल शीतल, एक प्रयत्न तो जरूर किया जा रहा है, एक प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि डे वन से जब सरकार बनी है, नई सरकार उमर अब्दुल्ला की अगुवाई वाली जो सरकार बनी है, उसने पहले ही कैबिनेट मीटिंग में इस प्रस्ताव को पारित किया है और इस प्रस्ताव को उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा ने भी मंजूरी दे दी है, जिसको केंद्र में भेजा है। और केंद्र की जो प्रक्रिया रहती है अनुमोदन का बड़ा जरूरी रहता है कि आपको राज्यसभा और लोकसभा दोनों से अनुमोदन की जरूरत रहती है। आपने पहले एक स्टेट को दो हिस्सों में बांटा 5 अगस्त 2019 को रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत। अब उसके बाद आपने ये भी स्टेटमेंट सुनी होगी संगठन महामंत्री अशोक कोल की कि माकूल माहौल जब होगा। माकूल माहौल का मतलब ये है कि अभी रिसेंटली जो टनल के निर्माण में अटैक हुआ है उसको लेकर के भी उन्होंने जिक्र का इसके उसका हवाला दिया है। तो इसलिए मुझे अति थोड़ा सा डाउट जरूर लग रहा है, लेकिन जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला गृह मंत्री से मिले हैं, राजनाथ सिंह से मिले हैं, नितिन गडकरी से मिले हैं और प्रधानमंत्री से मिले हैं, उससे लगता है कि कुछ ना कुछ वे आउट निकलेगा। लेकिन ये सब चीज़ें स्पष्ट तब होगी जब विंटर सेशन नवंबर में जो विंटर सेशन होने वाला है उस पे इस रेजोल्यूशन को, इस प्रस्ताव को लाया जाएगा। बिल्कुल विनोद जी, अगर बात की जाए यहाँ पर राज्य का दर्जा बहाली की, तो अगर राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को वापस मिल जाता है, जिस तरीके से होम मिनिस्ट्री ने एलजी की पावर्स को बढ़ाया है, एक बार फिर से एलजी की पावर्स थोड़ी सी डाइल्यूट हो जाएंगी। पुलिस की बात की जाए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बात की जाए, यहाँ के जो फाइनेंसिस है, वो तमाम चीज़ें जो है वो मुख्यमंत्री के हाथ में आ जाएंगी। हाँ बिल्कुल ठीक, अगर इस पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है और जो अधिक दायरा दिया गया है उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा को, वो दायरा थोड़ा कंट्रोल होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतनी जल्दी करेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे काम जो है करने को बकाया है और कुछ ऐसे संकेत भी आ रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि बाकी जो अलगाववादी तत्व हैं वो भी आगे ना सक्रियता से आए। हालांकि मीरवाइज उमर फारूक ने कहा है कि वो केंद्र से कश्मीर मसले पर बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन केंद्र इस बात को मानने के लिए मंजूर
मानती नहीं है कि अब कोई कश्मीर मसला बचता है। जो 5 अगस्त 2019 को 370 में संशोधन हुआ और 35 को रपील कर दिया गया और उसके बाद पाकिस्तान जिस कदर इस्लामिक कंट्रीज में भी गया, यूनाइटेड नेशन में भी गया, लेकिन वहाँ से उनको कोई समर्थन नहीं मिला और कश्मीर मसले में बार बार हालांकि प्रयत्न किया जा रहा है, यूनाइटेड नेशन में भी पाकिस्तान उठाने का प्रयत्न करता है लेकिन उतना रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। इसलिए मीरवाइज उमर फारूक इस पर बातचीत करेंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बिल्कुल, तो लेकिन कितना आसान है विनोद जी, क्योंकि अभी तक केंद्र ने सहमति जता दी है लेकिन जो प्रक्रिया होगी उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आगे निकालनी है, आगे बढ़ना है उन प्रक्रियाओं से, चाहे वो लोकसभा हो, फिर राज्यसभा हो, फिर राष्ट्रपति तक हो। क्या लोकसभा में आसानी से एक तरफा प्रस्ताव लाकर इसको पास किया जा सकता है? यहाँ वहाँ पर भी खलबली देखने को मिल सकती है। डेफिनेटली लोकसभा में विपक्ष जरूर इनका समर्थन करेगा, विपक्ष के समर्थन मिलने का पूरे आसार है, लेकिन ये प्रेरोगेटिव जो होता है वो होता है कि सत्ता पक्ष, क्योंकि सत्ता पक्ष में अंक फिगर जो होती वो ज्यादा होती। अगर सत्ता पक्ष चाहेगा तो इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाएगी। एक उदाहरण देता हूँ, 2000 में 1996 में लंबे अंतराल के बाद सरकार बनी थी, 2000 में पूर्ण बहुमत वाली, दो तिहाई बहुमत वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना एक रेजोल्यूशन पास किया एटोनॉमी को लेकर के, आपको याद होगा सर, कि हमें जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता चाहिए, एटोनॉमी चाहिए। उस प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने ठंडे रस्ते में डाल दिया। लाजमी नहीं है कि इस प्रस्ताव को भी माना जाए, हालांकि केंद्र सरकार ने इंडोर संकेत जरूर दिए हैं कि आपको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, यानी जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दिया जाएगा, लेकिन ये डिपेंड करता है कि कैसे माकूल माहौल है। विनोद जी एक आखिरी सवाल, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात की जाए, तमाम बड़ी चीज़ें उनके मैनिफेस्टो में मेंशन की गई थी और स्टेटहुड भी एक चीज़ थी, 370 एक अलग चीज़ थी, और वहीं पर जो यूथ एंटी नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था वो जेलों के अंदर बंद है, उन्हें भी बाहर निकाला जाएगा। लेकिन अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से स्टेटहुड का मुद्दा अब गर्माता नजर आ रहा है, स्टेटहुड का मुद्दा अब बहुत जल्द इस पर चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी, कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो इस सरकार पर ज़्यादा हो सकता है अगर स्टेटहुड का मुद्दा एक बार फिर से स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को वापस मिल जाता है, क्या कुछ लगता है आपको? डेफिनेटली शिपन, आई स्टेटहुड इज अ पॉइंट ऑफ नेगोशिएशन। केंद्र सरकार ने कोई ऐसा मुद्दा रखा होता है जिसको लेकर के नेगोशिएशन की जा सकी है, और मुझे लगता है, जो मेरा अनुभव कहता है, कि ये पॉइंट ऑफ नेगोशिएशन है और इस स्टेटहुड को लेकर के ही नेगोशिएशन की जाएगी कि सरकार इस तरीके से, यानी अगर आप देखते हैं शीतल, आपको तो जानकारी है, आपको भी है, जब घोषणा पत्र इनका देखते हैं तो बड़ा कड़क घोषणा पत्र है और ऐसा लगता है कि अलगाववादियों से प्रभावित होकर के वो घोषणा पत्र बनाया गया, और दिल्ली की सरकार बिल्कुल विपरीत परिस्थितियां हैं, उन चीजों को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। फिर ये स्टेटहुड है, ये पॉइंट ऑफ नेगोशिएशन रहेगा कि आपने पाकिस्तान से बातचीत की चर्चा नहीं करनी है, आपने जेलों में बंद पत्थरबाजों को छोड़ने की बात नहीं करनी है, आपने उस फैसले पर चर्चा नहीं करनी है जिस फैसले के तहत आतंकवादी और उनके रिश्तेदारों को जो नौकरियां दी गई वो अपनी, इसलिए दैट इज अ पॉइंट ऑफ नेगोशिएशन स्टेटहुड जिस पर बातचीत की जा सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जिस तरह से आपने ये तमाम बातें कही हैं कि ये एक नेगोशिएशन का पॉइंट है, इसमें केंद्र सरकार ये भी शर्त रख सकती है कि स्टेटहुड का दर्जा लोगों के लिए है, लोगों के हित में है, इसे दिया जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ जो बाकी चीज़ें हैं मैनिफेस्टो में उन पर केंद्र सरकार फोकस नहीं कर सकती।